उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रामनगर क्षेत्र में शनिवार तड़के एक ट्रक के सड़क किनारे खड़ी बस को टक्कर मार देने से 4 लोगों की मौत हो गई, 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि नेपाल से गोवा जा रहे श्रमिकों से भरी एक डबल डेकर बस का टायर तड़के करीब 3:30 बजे रामनगर थाना क्षेत्र के महंगोपुर गांव में पंक्चर हो गया था, जिसे सड़क किनारे रोककर ठीक किया जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। उन्होंने बताया कि इस घटना में 14 लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों में से 2 को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, बाकी 8 का स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतकों में प्रेम थारू, शीतल थारू, चक्र बहादुर बाली और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल है। सिंह ने बताया कि बस में करीब 60 लोग सवार थे, बाकी लोगों को नेपाल भेजने की व्यवस्था की जा रही है। मौके पर अब यातायात व्यवस्था सामान्य है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बस में सवार सभी यात्री नेपाल के रहने वाले हैं और वह गोवा जा रहे थे। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही आनन फानन में रामनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया।